साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का एक वशीकरण के लिए बहुत ही खास जबरदस्त आपको रेमेडी दे रहा हूं। देखिए आप लोग यदि तांत्रिक क्रियाएं करते हैं किसी को अपने अनुकूल करने के लिए, लेकिन उसके पहले आपको अपने बर्थ चार्ट में जो प्रेम संबंध को मजबूत बनाते हैं, अट्रैक्शन पावर को बढ़ाते हैं, वो है आपकी वीनस यानी कि शुक्र। अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र यदि वीक फल दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि पति पत्नी में अनबन रहेगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी, प्रेम संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपकी लाइफ में हमेशा चलती रहेगी, साथ में स्किन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, अट्रैक्शन पावर आपका कम हो जाता है, कोई भी आपको देख के अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाए किसी के लिए भी, किसी भी रिलेशनशिप में अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसके जिम्मेदार होते हैं आपके बर्थ चार्ट में वीनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र का मैं खास आपको नंबर बता रहा हूं। आप इस विधि से अगर कर लेते हैं तो जिस भी व्यक्ति को आप अपने दिमाग में रख करके प्रयोग करेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी अगर विधि करते हैं और किसी व्यक्ति को आप वशीकरण कर रहे हैं और उस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है या उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या फिर तांत्रिक प्रोटेक्शन है, उस पर कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करती है जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आज की जो मैं विधि बता रहा हूं आपको किसी भी शुक्रवार के दिन में आपको करनी है। इसमें दोस्तों जरूरत पड़ेगी आपको एक रेड मार्कर की और एक भोजपत्र के टुकड़े की, और उस व्यक्ति के यदि फोटो मिल जाता है तो सोने पे सुहागा, और अच्छी बात है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी शुक्रवार के दिन में अगर 11 से 1 के बीच में करते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो शुक्रवार में जब भी आपको टाइम मिलता है तभी कर लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन में 11 से 1 के बीच में इस प्रयोग को करें, शुद्ध तन मन के साथ में करें। अगर जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज ड्रिंक एल्कोहल अवॉइड करेंगे, स्टोन पत्थर पहना उसको उतार देंगे, कोरे कपड़े पहन करके मतलब कि धुले हुए कपड़े पहन करके इस प्रयोग को करना है, ठीक है। एक भोजपत्र का टुकड़ा आपको ले लेना है और रेड मार्कर ले लेना है। आपके घर की अगर आग्नेय दिशा में यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कॉर्नर है वहां बैठ के करें तो बेस्ट है, नहीं तो फिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप प्रयोग को कर सकते हैं। एकांत में करना है, किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, तो एक बाजोट वगैरह पटरा लगा लें, उसमें घी का दिया जला लें, गुलाब का इत्र और गुलाब की अगरबत्ती इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, तो गुलाब का इत्र ले लें और गुलाब की अगरबत्ती 6 अगरबत्ती गिन करके लगाना है, ठीक है। 6 अगरबत्ती रहेंगी और गुलाब का इत्र थोड़ा सा कर लें। अगर परफ्यूम वगैरह है तो अगर गुलाब की खुशबू से जिस कमरे में कर रहे हैं उसको पूरा आप थोड़ा सा उसको गुलाब का इत्र वगैरह से खुशबूदार बना लें तो और बेस्ट रहेगा। नीचे आसन रखें, सिर पे कपड़ा रखें और जो अपने भोजपत्र का टुकड़ा लिया हुआ है, भोजपत्र आपको इजली पूजा पाठ के सामान मिलते वहां मिल जाएगा, छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसमें रेड मार्कर से सबसे पहले आपको लिख देना है 6 बार 666666, ठीक है। और उसके बाद में आपको लिख देना है 6 बार उस व्यक्ति का नाम जिस भी व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कागज को आप फोल्ड करेंगे, उसमें थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा देंगे, गुलाब की अगरबत्ती का धुआं दिखा देंगे, फिर सीधे हाथ में रखना है, आंख बंद करना है और गिन करके 666 बार आपको शुक्र का मंत्र जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिस व्यक्ति को आप अनुकूल कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ध्यान में रखेंगे और 666 बार ओम शुम शुक्राय नमः या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप जाप कर सकते हैं, लेकिन आप 666 बार काउंटिंग बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये अभिमंत्रित हो जाता है तो इसको आपको क्या करना है, किसी लाल रेशमी कपड़े में लपेट करके अपने पर्स वगैरह में या अपने तकिए के नीचे
या फिर जहां भी आपको सही लगता है कहीं छुपा करके इसको रख दें। अगर आपकी बॉडी से टच में रहेगा 7 डेज तक, इसको अपनी बॉडी से आपको टच में रखना है, तो आप तकिए के नीचे भी रख सकते हैं या पर्स में रख सकते हैं। 7 डेज आप देखेंगे, 7 डेज के बाद में आप दोस्तों देखेंगे जिस व्यक्ति के लिए आपने इस प्रयोग को किया है वो आपके लिए अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वीनस यहां पर आपके अट्रैक्शन पावर आपके अंदर जनरेट करेंगे, वो एनर्जी आपके अंदर आएगी और वीनस जब एक्टिवेट हो जाएंगे आपके, तो आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति के लिए आपने प्रयोग किया है वो टोटल आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, किसी भी आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। समय मैंने आपको बताया कि रात्रि में अगर करेंगे 11 से 1 के बीच में तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर आप चाहें तो दिन में कभी भी किसी भी शुक्रवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जब आपका काम पूरा हो जाता है, आपको लगे कि 100% मेरे को रिजल्ट मिल चुका है, तो इसको उठा करके आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना, इसको अपने पास में नहीं रखना है, ठीक है। और बहुत ही सावधानी से इस प्रयोग को करना है, विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करना है, ठीक है। जैसे सावधानी मैंने आपको बता दी है, नॉनवेज वगैरह नहीं लेंगे, और जिस दिन प्रयोग करेंगे एक दिन आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, स्टोन वगैरह पहना उतार देंगे। महिलाएं शुद्धि वाले दिन इस प्रयोग को नहीं करेंगे। इन सावधानियों को फॉलो करते हुए अगर ये प्रयोग करते हैं तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और एक कंडीशन मैंने आपको बता दी, जिस व्यक्ति का पहले शिवशीकरण होता है उस पर आप कोई भी विधि ट्राई करेंगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और बर्थ चार्ट के हिसाब से या फिर फेस रीडिंग के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां सब लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। जितना हो सके और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, है ना। शेयर करने में कोई खर्चा नहीं लगना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि किसी को जानकारी की नीड है तो उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, है ना, तो शेयर जरूर करें। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।